नमस्कार दर्शक, मैं संदीप शर्मा। इस वक्त हम आपको बता दें कि ब्लॉक परिषद में खड़े हैं, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूरी पर बसे बंडा ब्लॉक में। आपको बता दें कि ये ब्लॉक परिषद का टावर वोट, यहां पर एक युवक चढ़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या है उनकी मांगे, किस लिए भैया टावर पर काहे के लिए चढ़े हो भैया, क्या नाम है और कहाँ रहते हो, क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, और ग्राम पंचायत कंदरपुर अलादातपुर निवासी अलादातपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरे द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि गांव की जो भी असुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, लेकिन अधिकारियों की मिलावट होने के कारण कोई काम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। हम लोगों ने कई बार शिकायत की, तो उस पर शिकायत करने पर अधिकारियों ने हमें ब्लॉक बुलाकर मुझे बुरा भला कहा और मुझे अपमानित किया। ब्लॉक के किस कर्मचारी ने आपको बुरा भला कहा? सर कल तो एडीओ पंचायत ने ही कहा। एडीओ पंचायत हमारे पास जी हाँ, पहले वो फोन करते हैं, उसके बाद में हमसे बुलाने के बाद हमसे तरह तरह से बात करते हैं। अच्छा, तो क्या है समस्या, क्या है आपकी, ये बताइए। समस्या ये है कि हमारे गांव में मतलब पूरा गांव जो है पानी से लबालब है, जिसकी मतलब सूचना कई बार अखबार में भी छपी है और हम लोग मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, सभी अधिकारी टालते रहते हैं। अच्छा जी, चलिए होल्ड लाइन पर रहिएगा फिलहाल। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको बता दें कि मौके पर जिस तरीके से यहाँ पर जो युवक जो टावर पर चढ़ा अपनी कुछ मांगों को लेकर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडीओ पंचायत द्वारा उनको बुरा भला कहा गया, उनकी कुछ समस्या है, तो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी थे यहाँ पर मौजूद। हाँ ब्लॉक प्रमुख जी, युवक का आरोप है कि यहाँ पर एडीओ पंचायत वगैरह ने बुरा भला कहा, उनकी कुछ मांगे हैं, तो इन मांगों को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि अभी इन्होंने जो हमसे हमारे पास भी गए थे जी, मैं इनके गांव भी गया था, मैं गया था, बीडीओ साहब गए थे, कई लोग गए थे, मैंने वो मतलब यथास्थिति जगह भी देखी जी, जी। जगह देखने के बाद मैंने कहा था कि पैसा इस समय ग्राम निधि में नहीं था, मैंने प्रधान से पूछा तुम्हारी ग्राम निधि में पैसा है, बोले ग्राम निधि में पैसा है नहीं, पैसा आ जाएगा हम तत्काल बनवा देंगे, लेकिन जब अभी तक पैसा नहीं आया इसलिए उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया। और मैंने भी आश्वस्त किया था कि मैं अगर नहीं पैसा आता तो मैं अपनी क्षेत्र पंचायत से ही बनवा दूंगा। क्या रोड की कोई समस्या है, सड़क की जी, रोड की और स्कूल की? हाँ रोड की और स्कूल की, विद्यालय, रोड और विद्यालय की समस्या है जी। जी जी, तो क्या यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जो मौजूद हैं यहाँ पर, क्या आप उनकी बात मानते हैं इसको? हाँ सर मानते हैं कि ये हमारे गांव गए थे, क्योंकि हमने इनसे कई बार प्रयास किया और प्रयास करने के बाद ये लोग गए और कहा, हमें आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना कुछ करने को तैयार है, सभी टालते रहते हैं करने के, मतलब उससे कुछ नहीं करते हैं। प्रदीप जी लगातार आप लाइन पर ही हैं, यहाँ पर आपकी समस्या देखते हुए यहाँ पर इनका कहना है कि आश्वासन दिया गया है कि अभी फंड में पैसा नहीं है जी। आपका जैसे ही फंड मतलब आपके रोड के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका सड़क का और जो सामाजिक कार्य आपका केवल अकेले का नहीं है बल्कि समाज हित का कार्य है, उसको पूर्ण किया जाएगा और जैसे फंड में पैसा आता है तभी तत्काल उस कार्य को करवाया जाएगा, इनका कहना ये है, बताओ मानते हैं आप इस बात को? नहीं बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वर्ष 2017-18 से लेकर आज तक हमने कई मांगे रखी और कई बार प्रार्थना पत्र दिए, उनकी हमारे पास फोटो कॉपी भी रखी है, मतलब जो भी वीडियो आए उनसे मिल चुके हैं लगातार, ये लोग केवल दौड़ाते रहते हैं और नई नई बात जुमला सुनाकर वापस कर देते हैं। तो क्या मांग है आपकी उतरने की नीचे? डीएम साहब आकर हमारे गांव का जो एक बार भ्रमण कर ले, जो भी स्थिति होगी वो देखकर और बस हम नीचे आ जाएंगे, हमारी कोई मांग नहीं है, डीएम साहब इस चीज को देखें आकर। तुम्हारी मांग नहीं है और डीएम साहब केवल आ जाने के नहीं, जिला नहीं नहीं, जिलाधिकारी के आने के बाद आपकी मांगों का क्या खत्म हो जाएंगी या जिलाधिकारी? ऐसा है कि जिलाधिकारी जब उनके संज्ञान में होगा तो वो क्या जिस तरह से ये लोग टाल मटोल करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, क्या वो भी इसी तरह से करते हैं? मुझे तो उम्मीद नहीं है, वो जिला के मतलब मजिस्ट्रेट नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर गए हैं क्या? कई बार गए हैं, उसके हमारे पास लेटर भी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल युवक जो है टावर पर चढ़ा हुआ है यहाँ पर और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर, और हालांकि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी का यहाँ पर कहना है कि अभी फंड में पैसा नहीं है, जब फंड में पैसा आ जाएगा तब, फिलहाल आश्वस्त किया गया है यहाँ पर उन्हें।